कब तक आप यहाँ आओगे? कब तक वह आपको कॉल करेगी? कब तक आप पढ़ोगे? कब तक आप कोशिश करोगे? कब तक आप चाय बनाओगे? दोस्तों, जब ऐसा सिचुएशन आ जाए तब आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे? तो देख लेते हैं सबसे पहले इसका रूल। सबसे पहले यूज करना है बाय व्हेन प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका रूल। समझते हैं एग्जांपल से। कब तक आप यहाँ आओगे? तो सबसे पहले लगाना है अकॉर्डिंग टू रूल बाय व्हेन, एंड देन लगाना है विल प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आप, इट मीन्स यू, एंड देन लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है यहाँ आना, इट मीन्स कम हियर। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, बाय व्हेन विल यू कम हियर, इट मीन्स कब तक आप यहाँ आओगे। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, कब तक वह आपको कॉल करेगी? तो सबसे पहले लगाना है बाय व्हेन प्लस विल प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वह, इट मीन्स शी। इसके बाद लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है कॉल करना, इट मीन्स मेक अ कॉल, कॉल करना का इंग्लिश मेक अ कॉल। किसको कॉल करेगी? आपको, इट मीन्स टू यू। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, बाय व्हेन विल शी मेक अ कॉल टू यू, इट मीन्स कब तक वह आपको कॉल करेगी। अगला एग्जांपल है, कब तक आप पढ़ोगे? तो सबसे पहले लगाना है बाय व्हेन प्लस विल प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आप, इट मीन्स यू, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है पढ़ना यानी स्टडी। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस, बाय व्हेन विल यू स्टडी, इट मीन्स कब तक आप पढ़ोगे। अगला एग्जांपल है, कब तक आप कोशिश करोगे? तो सबसे पहले लगाना है बाय व्हेन, एंड देन लगाना है विल प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आप, इट मीन्स यू, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है कोशिश करना, इट मीन्स ट्राई। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, बाय व्हेन विल यू ट्राई, इट मीन्स कब तक आप कोशिश करोगे। अगला एग्जांपल है, कब तक आप चाय बनाओगे? तो सबसे पहले लगाना है बाय व्हेन, एंड देन लगाना है विल प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आप, इट मीन्स यू, एंड देन आपको यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है चाय बनाना, इट मीन्स मेक टी। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, बाय व्हेन विल यू मेक टी, इट मीन्स कब तक आप चाय बनाओगे। अगला एग्जांपल है, कब तक आप बात करोगे? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बनाना है गाइस। ऐसे सेंटेंसेस भी आप डेली लाइफ में यूज करते हो, जैसे कड़ी मेहनत करते रहो, बुक पढ़ते रहो, उससे बात करते रहो, खाना बनाते रहो, एक्सरसाइज करते रहो। तो जब ऐसा सिचुएशन आ जाए तब आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे? तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका रूल। सबसे पहले आपको यूज करना है कीप, या फिर कीप के जगह पर दोस्तों आप कीप ऑन का भी यूज कर सकते हो, प्लस आपको लगाना है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, एंड देन यूज करना है ऑब्जेक्ट। समझते हैं एग्जाम्पल से। कड़ी मेहनत करते रहो, तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रूल आपको लगाना है, या फिर आप कीप लगाओ या फिर कीप ऑन लगाओ, एंड देन लगाना है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब है मेहनत करना, इट मीन्स कड़ी मेहनत करना, इट मीन्स वर्किंग हार्ड। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, कीप ऑन वर्किंग हार्ड, इट मीन्स कड़ी मेहनत करते रहो। अगला एग्जाम्पल है, बुक पढ़ते रहो, तो इसका इंग्लिश बनेगा कीप ऑन रीडिंग बुक, और यू कैन से कीप रीडिंग बुक। अगला एग्जाम्पल है, उससे बातें करते रहो, इट मीन्स कीप ऑन टॉकिंग टू हर, और यू कैन से कीप टॉकिंग टू हर। अगला एग्जाम्पल है, खाना बनाते रहो, कीप ऑन कुकिंग फूड, और यू कैन से कीप कुकिंग फूड। अगला एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज करते रहो, तो इसका इंग्लिश बनेगा कीप ऑन टेकिंग एक्सरसाइज, और यू कैन से कीप टेकिंग एक्सरसाइज। अगला एग्जाम्पल है, फोन चलाते रहो, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बनाना है। तो बस गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।